हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम। इस वीडियो में बताना चाहते हैं हम आपको कक्षा 10वीं की गणित और आपका पाठ है 6 और इसका नाम है अध्याय 6 और इसका नाम है त्रिभुज। और त्रिभुज में आप एक्सरसाइज मतलब प्रश्नावली 6.2 का जो तीसरा क्वेश्चन है बहुत अच्छा, बहुत वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है और तीसरा क्वेश्चन हरदम पूछा ही जाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसलिए ये वीडियो पूरा देखना, लास्ट तक देखना, जो क्वेश्चन आपको उससे लेकर के बताएंगे। इसमें आपको दिया हुआ है जो क्वेश्चन आपका तीसरा प्रश्नावली 6.2 का तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी पहला दूसरा तो सरल है, आप लगा लोगे, लेकिन जो तीसरा बहुत अच्छा क्वेश्चन है और जो आपसे ना भी बने तो देखो आपको बिल्कुल समझा देंगे। अगर आपसे बन जाए और आपको समझ में आ जाए तो कमेंट करके जरूर बताने और एक लाइक और जरूर और कमेंट करके बताना कैसा लगा वीडियो। मिलते और बताएंगे मैं और अगले वीडियो में हम आपको चौथा क्वेश्चन ले आएंगे। इस वीडियो में तीसरा बता रहे हैं, बेस्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा, जितना इसकी तारीफ करें तो उतना ही अच्छा है, ठीक है। जो क्वेश्चन एक ऐसा आता है तो तीसरा भाई एक चौथा भाई जी बहुत अच्छे आपको बोल है, पांचवा भी है, लेकिन पहले ये तो दो ही अच्छा है। तो देखो भैया आकृति 6.18 जा रहा है आपकी, आकृति 6.18 तो भैया 6.18 में देख लो, ठीक है। तो देखो इसमें लिखा क्या, आकृति 6.18 में यदि हमें LM समानता, LM की समानता मतलब जब वाली रेखा LM समांतर का दिया है CB के समांतर, मतलब जब वाली की समांतर है LM समांतर का CD और LM समांतर CD है, LN जब वाली रेखा LN का हो तो LN समांतर का CD दई है, जी अपन हम चीजें दई है समांतर है। तो एक चीज आपका नोट करो, ई में अपन जी जी दई और आपका सिद्ध करने EM बटे AB बराबर होता है AN बटे AB है, जे आपको सिद्ध करना। तो भैया सीधे सीधे और कुछ नहीं करना है आपको, सबसे पहले आपको ई सवाल लगा से पहले आपको थेल्स प्रमेय जरूर आना चाहिए। थेल्स प्रमेय कहती है कि अगर आपको उसमें तो एक त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई भी रेखा हो तो वो उनकी भुजाएं एक ही अनुपात में बराबर हो जाती है, ठीक है, एक अनुपात में विभाजित कर देते हैं। तो ये थेल्स प्रमेय यही कहती है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो भिन्न भिन्न बिंदुओं को छेद कर दिए और उन्हें एक ही अनुपात में विभाजित कर देती है, मतलब जे अब अगर इसमें तो तुम त्रिभुज छांटा जाए तो एक त्रिभुज ऐसा बन जाएगा जे ऊपर वाला हिस्सा बस अलग कर लो, जैसे जे है ना इसको अलग कर दे रहे हम ऐसा और इसको जी कर दिया हमने अलग, ठीक है, इसको नाम दे दो, इस इधर बी था, इधर ए था, इधर सी है, ठीक है, और तुम्हारी इधर का है एम है और इधर एल है, नीचे का हिस्सा तुम्हारा अलग बना ले हम, ठीक है, नीचे का हिस्सा भी समझ भी के लाने हमें अलग बना दे रहे, ठीक है, इधर ए है, इधर डी है, इधर सी है और इधर आपका एन एल एल एन है। तो दूसरा तुम्हारी ई में कह रहे थे कि तुम्हारे एल एम समांतर का कि सी भी है और ई में कह रहे थे कि एल एन समांतर का सी डी है, तो ये चीजें आपको पता है। तो लिखते हैं पहले में दो त्रिभुज बन रहा है, तो अगर दो त्रिभुज में अगर के दो समांतर रेखा है तो इनके अनुपात के बराबर हो जाएंगे, जब आप तो आपको पता है थेल्स प्रमेय का कहती है अगर उनमें समांतर दो समांतर रेखा है तो उनके अनुपात इनके अनुपात आपस में बराबर ई को अनुपात ई के अनुपात के नीचे के अनुपात के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो जा थर्स के तो वही थर्स पे में लग जाने, तो पहले लिख दे रहे दिया है, लिखो कि दिया है, क्या दिया अपन चित्र में अपन दो तो चित्र में का दो तो पहले बार तो चित्र में अपन जो एल एम समांतर क्या दिया था एल एम समांतर सी बी वा अपन एल एम समांतर सी डी जा चीज दी है तो जाइए लिख रही हो कुछ दौड़ी है बाकी और अपना जो कुछ सिद्ध करने तो बोल लिख दे सिद्ध करने जो कुछ तो बोल लिख दे सिद्ध करना है क्या करना है सिद्ध सिद्ध का करने को तो सिद्ध करने अपना ई एम बटे में आपकी ए बी है, ठीक है, बराबर ए एम बटे में ए डी जब चीज अपना निकालना है सिद्ध करके।
अब अगर इतने भी उपपत्ति लिख दो या प्रमाण, मतलब अपन प्रमाण दे रहे हैं या उपपत्ति, तो उपपत्ति लिख दो चाहे प्रमाण एक ही चीज है, तो लिख दो उपपत्ति। उपपत्ति में क्या करोगे, अब इनमें से दो त्रिभुज में तुम चाहे ऊपर वाला ले लो चाहे पहले, तो हम इसमें हमें दोनों त्रिभुज अलग कर लें। पहले हम त्रिभुज ऊपर का एबीसी ले रहे एक त्रिभुज, तो लिखें अब त्रिभुज ए बी सी में, एबीसी में अपन कहता हो तो कि एबीसी में त्रिभुज का, एबीसी में तो मैं देखा जो त्रिभुज एबीसी है जे वाला पूरा एबीसी हम निकाल के ऊपर लिख लो। त्रिभुज एबीसी में तुम्हें कहा है एलएम समांतर से भी दे, एबीसी में एलएम समांतर सीडी है ना, सॉरी सीबी है, सी बी आर। देखो त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में तुम्हें दो तो एल एम समांतर, एल एम समांतर सी बी ए है, देख रहा हो इतना भी देख रहा हो तुम्हें एल एम समांतर, समांतर के बी सी के समांतर, देखो मतलब उत की जी रेखाएं ऐसी देख रहे हैं, जत्म रेखा एक है और जब बी सी की जी का वो काट है ना एक दूसरे चार जितने दूर तक चले जाए तो जी समांतर हो, तो जत माई थी एम और जाती एल और जत माई बी थी और जाती सी बी, तो ऐसी रेखा देख रही हूँ जी, तो जी तो ऊपर कहूँ भी चले जाए नीचे भी चले तो काट है ना, तो जी समानता रहा है इनमें, ऐसा समानता जी नहीं कि इनके बराबर, बराबर नहीं इनका मतलब बराबर होता है एक से, समांतर का मतलब जो होता है कि कभी आगे जाकर काट है ना एक दूसरे, ठीक है, तो जी समांतर है एल एन समांतर, तुम्हें इनमें सी भी है ना, एल एन समांतर जब इनमें समांतर है, जब जो भी समांतर तब हो एल एन समांतर सी भी है, इसलिए का वो जो है इसलिए, इसलिए थेल्स प्रमेय लग जाए, क्या लग जाए, इसलिए थेल्स प्रमेय से, इसलिए थेल्स प्रमेय, इसलिए थेल्स प्रमेय से। और थेल्स प्रमेय का हो भैया, जब तुम्हारी एक त्रिभुज में जो भुजाएं समांतर, एक दो भुजाएं समांतर हो तो उनकी उनकी भुजाओं के अनुपात एक, तो उनकी भुजाओं के अनुपात एक ही अनुपात होते हैं, जब त्रिभुज में एक ही भुजा की समानता हो तो उनकी भुजाएं एक ही अनुपात में हो जाती है, इनकी भुजाएं एक ही अनुपात मतलब इनकी अनुपात, इनकी अनुपात जी वाली भुजाएं एक ही अनुपात आते हैं, तो इनके अनुपात बराबर हो जाए, मतलब ई अनुपात बराबर ई को अनुपात, अनुपात कहलाता है बटे में, मतलब ई को अनुपात, ई को अनुपात का कहा बटे को, तो ई भुजा को बटे ए एम बटे का हो जाए एम बी हो जाए, ए एम बटे एम बी वो ना को हो जाए ए एल बटे एल सी, तो जी दो बराबर हो जाए ना, तो अनुपात बराबर हो जाए मतलब बटे के रूप बराबर हो जाए, तो ए एम बटे का हो जाए एम बी बराबर, नीचे का अनुपात का है ई एल, ये तैसे अनुपात का हो बटे, तो ए एल बटे एल सी, तो ए एल बटे एल सी, तो भाई ये चीज चीज लगता है थेल्स प्रमेय कहती है कि अगर किसी त्रिभुज की भुजा के समांतर हो तो उनके अनुपात एक ही अनुपात में विभाजित हो जाते हैं, तो बोए लगा दो नियम, ठीक है, थेल्स प्रमेय से हो जाए अनुपात बराबर हो जाए, तो त्रिभुज अनुपात बराबर होगा ए एम बटे एम बी काई के बराबर, ए एल बटे एल सी के बराबर हो जाए, कैसे थेल्स प्रमेय से होगा ए एम बटे ए एम बटे एम बी बराबर ए एल बटे एल सी, ये दो चीजें बराबर हो जाती है थेल्स प्रमेय से, अनुपात तो जो समीकरण एक दे देंगे ना, ठीक है। और दूसरा हुआ त्रिभुज कौन, पुनः त्रिभुज कौन से में, दूसरा त्रिभुज तो अपना दूसरा त्रिभुज नीचे का था ए सी डी या ए बी सी, कोई बोलो ए सी डी या ए डी सी, पुनः त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी में तुम्हें दिखा रहा हूं, तो ए सी डी में एल एन समांतर सी डी है, एल एन समांतर सी डी, तो फिर ये में थर्ड शुरू में लग जाने एल एन समांतर सी डी है, इसलिए थेल्स प्रमेय से, ठीक है, थेल्स थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय का हो जाएगा ये, ऐसे थन बन जाए इनको अनुपात, देख लो ई को अनुपात का हो तो ए एन बटे, देख रहा हूँ ये ए एन बटे एन डी, तो हो जाए ए एन बटे एन डी बराबर कहो ए एन बटे एन डी, तो देखो पहले हमने जो ले लो ना एक अनुपात ए एन बटे एन डी,
फिर बीच वाला से नहीं देखा है, उभयनिष्ठ है ये दोनों में, ई एल बटे तो जा रेखा तो दोनों में बाई है, ई एल बटे एल सी हुई है, ई एल बटे तुम चाहे मैं देख लो, देखियो मैं भी देख लो, तुम ई एन बटे एल सी जाई तो ई में आ, ए एन बटे एल सी देखो ए एन बटे एन डी और ई एन बटे एल सी डी आपस में बराबर हो जाता है उनका, जब थेल्स प्रमेय से दो ही बातें हो जाती सिद्ध करके अपन देख चुके हैं, थेल्स प्रमेय तुमने लगाई होगी तो उन्हें सिद्ध कर वो सीखो है तुमने, ठीक है। और ई के बाद तुमने तो देखा कि जो दो समीकरण बन गए, तो भैया देख रहा है कि जी ए एल सी दो जी देख रहा है कि जी दो ही एक से हैं, देख रहा है ना, जे जब बराबर है एक दूसरे के, ई एल बटे एल सी बराबर ई एल बटे एल सी, जे दो ही पक्ष के बराबर हैं तो जे भी बराबर होंगे, जब जे दो बराबर तो जे बराबर हो जाए ना, तो जे ई के चाहे ऐसा भी समझो कि ई एल सी का मान तुम्हें इधर रख दो तो आ जाए है ना, ई एम बटे एम बी बराबर ई एम बटे एम बी बराबर ई एम बटे एन डी आ जाए, ठीक है, हो जाए तुम्हारा सिद्ध। समीकरण एक हुआ दो से, ठीक है, समीकरण एक हुआ दो से, देखो ई में सोचो कि ए एल बटे एल सी ए एल बटे एल सी ये दो ई में है तो जे दो भाग बराबर है, तो भैया जे दो भाग बराबर हो जाए समीकरण एक दो से जो हो जाए, या तुम जो सोचो कि हम ए एल और एल सी का मान पूरा उठा के ई ए एल बटे एल सी की जगह बिठा लें, तो ए एन बटे एन डी तुम इतने जगह पे बैठा दो सो जी दो ही भाग बराबर आ जाए, समीकरण एक और दो से चौफ हो जाए, चार जैसा समझ रही हो आप, जैसा सोचना वैसा सोच लो, ए एन बटे एम बी बराबर बराबर कहा जाए ए एन बटे एन डी हो जाए, ठीक है, ए एन बटे काय हो जाए भैया, जे दो ही भाग बराबर ते तो क्या है ये जे दो ही भाग बराबर, जब जे दो भाग बराबर तो जे भी दो ही आपस में बराबर हो जाए, जब जे दोनों बराबर है तो जे भी ना के बराबर, कैसे जे एक दूसरे के बराबर है, जे भी एक दूसरे के बराबर तो जे भी भैया एक दूसरे के बराबर हो, जब जैसे इतने लिखे जैसे जे लिखे दो इतने भी जे दो लिखे बराबर है, इतने भी दो है, ठीक है, इतने भी जैसे जे जो बराबर दो है ना, एल बटे एल सी का मान तो दो, तो भैया एल बटे एल सी जे दो ही बराबर तो इतने भी दो दो आ जाए, तो जिस सब एक ही से लिखे लिखे ये ई बी सी डी के अच्छा लिखे तो मैं कूद नहीं चल रहा दिमाग बस भर रह जाए और कुछ ना हो जाए, तो जे दो ही अब जे दो पक्ष एक से हैं, जब जे दो ही पक्ष बराबर हैं तो जे दो ही पक्ष बराबर हो हैं, समीकरण एक दो से हो जैसे मान लेनी हो, ठीक है, या तुम जो सोचो कि हम ए एल बटे एल सी को मान उठा के ई की जगह फिट कर दे रहा हूँ, चाहे ऐसा मान लो कि ए बटे एल सी का मान समीकरण एक में रखने पर तो ई की जगह बैठा दे भी ई एन बटे एन डी यहाँ बैठा दे, जो भी सोचो यही से हमने समीकरण एक पर दो से लिख रहे, जो नहीं बताओ कि हम क्या कर रहे हैं, समीकरण एक पर दो से हमने करके सीधा लिख रहा हूँ, ठीक है। अब तो देखो अपना सिद्ध का करना, तो ए एम बटे ए भी चाहे कि अपनी आई एम बी, तो जब ए भी कहाँ से यहाँ, तो देखो भैया यहाँ पर देखो अपन है का ऊपर ए एम है ना, अभी अपन है पूरी चाहे ए भी बना लूंगा बना लेने जाएगी, और नेचर ई में भी एन डी है तो नेचर पूरी ए डी बनाने ही, हाँ तो ई के लाने का करने यहाँ तुम्हें कुछ जोड़ने घटाने यहाँ, तो मैं ऐसा क्या करो कि मैं अपनों दोनों देखो एक चीज है इन्हें प्लेयर पलट, अगर अपन इनमें एक जोड़ दे रहा है तो जो ऊपर ए बी तो बन जाने लेकिन ई एम गायब हो जाने, एक से तो पहले ऐसे जैसे एक जोड़ दे हैं अपन दोनों पक्षन में तो जब भिन्न बन जाए तो ए एम बी एल सी एम आ जाए, तो ए एम प्लस एम बी हो जाए तो ए बी लेकर अपना नीचे ए एम जाए, तो ये क्या कर पहले पलट दो तो फिर दोनों पक्ष में एक जोड़ दे भी, तो पहले लिख दियो पलटने पर क्या कर दियो पलटने से इन्हें पलट दो एम बी ऊपर आ जाए, इसका से एम बी तो हटाना है पलट दे उसे ऊपर एम बी कर दे भी नीचे ए एम जो कुछ चाहना है वो नीचे कर लेने एम बी ऊपर पहुंचा दो ए एम नीचे कर दो, अब दोनों पक्षों में एक जोड़ दो, दोनों पक्षों में क्या जोड़ना वन जोड़ देने पर या वन जोड़ने पर दोनों पक्षों में एक जोड़ देने, दोनों पक्षों में जोड़ दो एक एम बी बटे एम प्लस को वन ए एन डी बटे ए एन प्लस को वन, ठीक है। अभी मैं तुम भिन्न बन जाए
बन जाए ना, तो ये चीज देखी जा। अब आपकी जब हो जाए कि एलसीएम ले तो भिन्न बन जाए डायरेक्ट, इतनी तो भिन्न आती है कि ए एम बी प्लस की ए एम बटे में एलसीएम का जाए ए एम से ही बताएं। ठीक है, दोनों पक्षों में बराबर जोड़ा, सब कुछ दोनों पक्षों में एक सा करना होता है, जो कुछ एक में दिया वही करना होता। तो देखो ई एन बटे ई को भिन्न बनोगे एन डी प्लस ए एम प्लस को बटे में ई से तो एक जोड़ा। तो देखो अपनो ई एम को ई एम बस जाने बचाने ई एम चाहे तो अपनो ई एम और ई एन बचाना तो सही एन बचो। अगर अपन ऐसे में जोड़ देते तो वो तुम बो हट जा तो ई एम हट जा तो एम भी नीचे आ जाना। तो लेकिन दो ही बराबर हो कैसे दिक्कत नहीं, लेकिन अपन ई सो बनाना तो बिल्कुल ई से जाना तो अपन पलटने पड़े, इन्हें पलट दो तो अपन ने ई एम बचाना है तो कैसे बटे को अपन थोड़ी हटाते हैं। तो एक जोड़ के तो बटे में तो भिन्न बना तो एक तो वही रहे जो अंश हर में है तो वही रहेगा। इसे एक जोड़ो दिमाग लगाने पड़ा और देखना पड़ा कि देखियो अब एम बी अब दोनों पक्षों में जोड़ोगे तो भैया एम बी प्लस के एम बी प्लस के ई एम का बना था जा तुम्हारी एम बी है और जा तुम्हारी ई एम है, तो इन दोनों ने जोड़ कर पूरी रेखा का बना ए बी। तो ई एम बी प्लस ई एम कौन सी पूरी रेखा बना ए बी से थे ए बी बटे ई एम आज बराबर जा चीज आ रहे हैं इतने। तो देख रहे हैं कि आप देख रहो देखते रहो एन डी प्लस के ई एम एन डी कौन है जो भैया एन डी हो जो ए एन है पूरा जोड़ कर देखो कौन सी रेखा बना तो एन डी और ए एन है पूरी ए डी बन जाए जोड़ कर बन जा। देख रहा हो कि ए एन और ए डी है जोड़ो तो पूरी ए डी बना, तो ई की जगह कौन सा आ जाए ए डी ले ले है बटे ए एन आ जाए। और अब जो उल्टे लिखे ए बी तो नैसे यहाँ से पलट दो एक दिन ऐसे ठीक है पलट दो कल नहीं पलटने पर पलटने पर पलट दो तो पलट दो तो कहा से ए एम ऊपर आ जाए ए बी नीचे पहुंच जाए और ए एन नीचे एन ऊपर आ जाए और ए डी नीचे पहुंच जाए। यही अपन कहा सिद्ध करने तो भैया सिद्ध होगा इति सिद्धम कब इति सिद्धम हो चुको अपन ने जब प्रूफ कर दो ए एम बटे ए बी बराबर ए एम बटे ए बी बराबर ए एम बटे ए डी होता है जो ई में ई के अनुसार होता है। ई में देखो कच्छों में दिक्कत नहीं है आपका जैसे द है वो पूरा बना लेने फिर इसके अलग अलग दो तरबूज बना ले सो आपका बहुत जल्दी समझ में आ जाए। और कोई भी तरबूज जो उनमें अगर दो रेखा समानता जी तुम्हारी समानता दही है तो मैं एक भुजा के समान एक दूसरी रेखा दही तो उनके अनुपात एक ही तो भी भुजाएं एक ही अनुपात में हो जाती बराबर। तो देखो भैया इनकी इनकी एल एम समांतर सी भी नहीं थी तो इनकी भुजाएं से एक ही अनुपात इनके बराबर हो गए थे। तो ये देखो ए एम बटे एम बी बराबर इन ए एल बटे एल सी तो आज बटे के रूप का होता अनुपात इन्हें बोलो जाता अनुपात इन्हें बोलो जाता अनुपात बटे वाला ना ठीक है क्या अनुपात लगा लो चाहे बटे में अनुपात ठीक है ये तो एम बटे एम बी बराबर ए एल बटे एल सी हो जाते हैं। सी में यही चीज ही में दी थी कि भैया एल एन समांतर सी डी थी तो जे भैया थर्ड स्प्रे में से वही फैन कर दे फिर थर्ड स्प्रे में वही फैन कर दे कि जी में जी समांतर हो गए तो इनके भी अनुपात बराबर हो जाए तो इनके भी अनुपात बनाते ए एन बटे एन डी बनाते तो ए एन बटे एन डी बराबर कौन सा होगा दूसरा अनुपात ए एन बटे एल सी बराबर हो जाते जे चीजें बताते हैं। फिर अपन ने देखो तो कि जे दो पक्ष समान है जे दो ही समान है तो भैया जी कोई समान भी हो जाएंगे तो जे दो ही समान थे सो जे दो भी समान हो जाए समीकरण एक दूसरे से कर रहे थे। इतनी बात अपन ने देखी थी कि ए एम बटे एम बी आगो ए एम बटे एम बी आगो हमने देखो कि भैया ऊपर तो ए एम है और नीचे ए बी है ऊपर ए एम है नीचे ए डी है लेकिन इतने अपनों का है ए बी और ए बी चाहे तो ए डी चाहे कहते एम बी और ए डी है तो तुम्हारे दिमाग में आओ कि जो ए बी प्लस की एम बी का पूरी रेखा ये भी बना। अब अपन कहा एक देर अपन में ई एम जोड़ने ई में नीचे में ई एम जोड़ जाए तो बन जाने सो ये का करो पक्ष पलट दो पलट दो सो एम भी ऊपर हो जाए एम नीचे आ जाए कैसे अपन जो चीज चाहे वो बचा के रखने नीचे हर में रखे आने पर बस जाए। तो जो दिमाग में आ गई थी इनमें एक जोड़ दे अभी सो जी इनकी एक एक दिन जोड़ जाना बहन बनने सो तो जो नीचे रात वो एक ऊपर जुड़ जा सो कैसे दूसरी रेखा बन जाए जब जो बताओ
और अपन चाहने तो एम से एम हम बचाने तो ए से नीचे ले गए थे सो एम भी बटे पलट दो तो एम भी बटे एन और एन भी बटे एन ए से एन हम भी चाहने तो सो भैया अब अपन ने जोड़ दो तो अब इतना जोड़ो से देखो तब ने जैसे एम को ऊपर गुणा होगा बटे में एन है भी एक ऐसे एलसीएम लग तो एम ही यहाँ है या सीधे से जो त्रिक गुणा समझो यहाँ पर कर दो गुणा और बटे को बटे जाएंगे तो ऐसे ई में समझो ऐसे कर दो गुणा और ई में बटे में ई को जैसे ई एन बच को बदलो और तुम्हारा काम को काम हुआ ए एम प्लस ए एम बी प्लस के एम का बना एम बी प्लस के ए एम देखा भाई एम बी और जो ए एम कौन सी रेखा बना पूरी जोड़ के ए भी बना सकते तो ए भी आ गई और बटे ए एम जाएंगे तो ए एन डी और ए एन जोड़ कर पूरी रेखा ए डी बना सो ए डी आ गई बटे में ए एम लिख दो और इन्हें दोबारा पलट दो कैसे जी लिखे थे ए एम बटे ए बी सो इन्हें दोबारा पलट दो सो ए एम बटे ए बी बराबर ए एम बटे ए डी आ गया सो सिद्ध हो चुकी जाए बात अपनी ठीक है जी अपन प्रूफ करने तो बताने तो। और दोस्तों आपको बताना वीडियो कैसा लगा और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम। जल्दी ही आएंगे आपको इसका क्वेश्चन चौथा करके बताएंगे और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है अगर आपको समझ में आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम। धन्यवाद।